Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. Thumbnail देख के समझ में आ गया होगा आज का वीडियो किस बारे में. हो सकता है आप लोगों ने कल से लेकर आज तक के टाइम में इसके बारे में पढ़ा भी हो, क्योंकि CLAT PG 2024 में आपका सब्जेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आता है. तो उसी के चलते आपके लिए ये न्यूज़ आज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. इस केस को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एक्टर अनिल कपूर की पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने. केस का नाम है अनिल कपूर वर्सेस सिंपली लाइफ इंडिया एंड अदर्स. इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट को कोर्ट ने कंसिडर किया आज इस सब के बारे में हम देखेंगे. बिफोर दैट, अगर आप क्लैट पीजी 2024 टारगेट कर रहे हैं एंड आपकी प्रिपरेशन अभी भी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग सम बैच, तो हम लेकर आए हैं क्रैश कोर्स, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा. बेसिकली आपको पढ़ाएंगे हम क्लैट पीजी 2024 को ध्यान में रखते हुए. ये बैच अभी लेटेस्ट हमारा 14th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हुआ है. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बैच को ज्वाइन करने में, तो डोंट फर्गेट टू यूज़ माई कोड MSingh10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट. क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, साथ ही साथ इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, और तो और आपको पीडीएफ भी क्लास की मिलती है. इसके साथ साथ मॉक टेस्ट होते ही होते हैं, साथ में एजुकेटर्स लाइव टेस्ट और क्विजेस खुद भी करवाते हैं. अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का बैच परचेज करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं. एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी स्टोर्स पे अवेलेबल है ये आपका जो कोर्स है. दिस इज अवेलेबल फॉर 15999, बट इफ़ यू यूज माई कोड MSingh10, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर. आप जितने भी एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, डेफिनेटली उसकी प्रिपरेशन हम यहाँ पर कराते हैं. अगर आप क्लैट पीजी की मॉक टेस्ट सीरीज लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो 1900 में आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी. ये लाइव करवाई जाती है. मॉक टेस्ट सीरीज आपकी हर वीकेंड पर होती हैं, क्लैट पीजी के पैटर्न पर होती है. अगर आपने बैच परचेज किया, तो आपको इसको अलग से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको बैच के साथ ही आप इसको अवेल कर सकते हो, आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं. लेकिन अगर आप सेपरेटली परचेज करते हैं, तो आपको 1900 में 20 मिलेंगी. बट इफ़ यू यूज़ माई कोड MSingh10, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. साथ ही साथ मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस भी लेती हूँ. जी हाँ, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है. सिर्फ आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर लॉग इन करना है और आप फ्री मेन क्लासेस को देख सकते हो. QR कोड स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन करोगे तो सीधे सीधे आप फ्री क्लासेस पर चले जाओगे मेरे प्लेटफॉर्म पे. वहाँ पर अगर आप मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लेते हैं, तो आपको अपकमिंग क्लासेस के भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे. ये लाइव क्लास होती है 6:30 पे ट्यूसडे और थर्सडे को, सैटरडेज को भी हो जाती है कभी कभार. तो पुरानी क्लासेस भी देख सकते हो और आने वाली क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं. अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट से इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी. नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ टुडे, यहाँ पर कोर्ट के सामने एक सूट आता है अनिल कपूर जी के द्वारा. ठीक है, वो एक कंसर्न रेज करते हैं कि AI मिसयूज हो रहा है. ठीक है, AI का बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है यहाँ पर, उनकी हार्ड अर्न्ड गुडविल को प्रेजुडिस करने के लिए और रेपुटेशन को. बेसिकली गलत इस्तेमाल हो रहा है उनकी आवाज़ का, उनकी इमेजेस का. काफ़ी कंसर्न यहाँ पर उन्होंने रेज करा. एंड टू इम्पिंज ऑन हिज एक्सक्लूसिव राइट्स टू कमर्शियली बेनिफिट फ्रॉम हिज पर्सोना. ठीक है, कि लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, कमर्शियली बेनिफिट होने के लिए वो मेरी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं. ही सॉट टू रिस्ट्रेन द यूज ऑफ हिज नेम. उन्होंने कहा कि मैं जो है चाहता हूँ कि मेरा नाम का इस्तेमाल ना किया जाए. जो एक्रोनिम्स यूज होते हैं लाइक AK, उनकी वॉइस जो यूज़ हो रही है, इमेज यूज करी जा रही है, एज वेल एज सॉब्रिके जो भी यूज करे जाते हैं, लाइक लखन के नाम से फेमस है, इज फेमस एज मिस्टर इंडिया, इज ऑल्सो फेमस एज मजनू भाई, नायक एंड द फ्रेज झक्कास. ठीक है, जो यूज होता है, बिना उनकी कंसेंट के इसको इस्तेमाल ना किया जाए. उनकी कंसेंट पहले ली जाए एंड देन ओनली इसको यूज किया जा सकता है. इन्होंने ये भी डायरेक्शंस मांगे कि अनऑथराइज जो भी सेल हो रही है, डिसमिनेशन हो रहा है प्रोडक्ट्स का, लाइक की चेन्स पर फोटो बनी रहती हैं, टी शर्ट्स बिकती हैं जिस पे इमेजेस बनी रहती हैं, ऑडियो विजुअल कंटेंट होता है इमेजेस के रूप में, GIFs के रूप में और वीडियोस में, बिना मेरी कंसेंट के ये कहीं पर भी पब्लिश नहीं होना चाहिए. कोर्ट यहाँ पर क्या कहती है, कोर्ट कहती है कि दिस कोर्ट हैज़ नो इशूज इन होल्डिंग That Anil Kapoor's name, persona and likeness has to be protected. ठीक है, हमें पता है कि इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ना सिर्फ उनके खुद के सेक के लिए बल्कि उनकी फैमिली के लिए भी, जो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम गलत तरीके से यूज़ हो, नेगेटिव एस्पेक्ट में उसको यूज़ किया जाए.
तो प्लेंटिफ ने यहाँ पे प्राइमा फेसाई केस कराया है अपनी फेवर में, मतलब उनके फेवर में प्राइमा फेसाई केस यहाँ पर बनता है। नाउ दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, एक इंटरिम जॉन डो ऑर्डर दिया, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग न्यू, हो सकता है कुछ लोगों को मालूम भी हो सकता है कुछ को ना मालूम हो। इंटरिम जॉन डो ऑर्डर दिया, मैं बताती हूँ ये ऑर्डर क्या होता है, जिसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया चैनल्स को, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को एंड पीपल एट लार्ज को रिस्ट्रिक्ट करा है कि आप अनिल कपूर जी की पब्लिसिटी राइट्स और पर्सनैलिटी राइट्स को इन्फ्रिंच नहीं कर सकते हो। अब आखिर ये जॉन डो ऑर्डर क्या होता है, देखो जब हमको पता होता है गलती एक किसने करी है, ठीक है, तो हम उसके अगेंस्ट सूट लेके जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है। बट जब हमको नहीं मालूम होता है कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन है कि कई सारे लोग हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये टर्म्स यूज होना झकास वाला हो गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। वी टॉक अबाउट लाइक जब भी हम कहते हैं कि गायब होने के रेफरेंस में, हम लोग भी अपने डेली यूसेज में कभी कभार बोल जाते हैं मिस्टर इंडिया हो क्या। तो यहाँ पर जॉन डो ऑर्डर क्या होता है, जॉन डो ऑर्डर वो होता है कि जहाँ पर बहुत सारी अननोन पार्टीज होती हैं एक केस या डिस्प्यूट में इन्वॉल्व, एंड उनकी आइडेंटिटी को हम ट्रेस नहीं कर सकते, मतलब हम ये नहीं समझ सकते कि कहाँ कहाँ तक ये मिसयूज हो रहा है, उनको कलेक्टिवली जॉन डो कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, जो डो नेम है इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एनोनिमस और अननोन डिफेंडेंट। जब हम नहीं डिफाइन कर पा रहे कि यहाँ पे डिफेंडेंट कौन है, दूसरी पार्टी कौन है, उस केस में यहाँ पर जॉन डो यूज किया जाता है। एंड उस ऑर्डर को जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर दिया जाता है, जो अननोन पार्टी एनोनिमस पार्टी है, उसको हम जॉन डो ऑर्डर कहते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो अनऑथराइज प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना एनोनिमस है, तो जितने भी अनऑथराइज प्लेटफॉर्म्स हैं उनको परमिट नहीं किया जा सकता अनिल कपूर जी का नाम यूज करने के लिए, उनकी आवाज को यूज करने के लिए, उनकी इमेज को यूज करने के लिए, या फिर उनका डायलॉग इलीगल मैनर में। इट्स नॉट ओनली कि आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हो, फोटोज वगैरह आदमी यूज लगाता है, कहीं पे भी कोई रेफरेंस लेता है, जैसे मैं आज केस ले रही हूँ तो मैंने यूज किया। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप कमर्शियल पर्पस या इलीगल मैनर के लिए यूज नहीं करोगे, उनके नाम का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि उनके नाम आवाज लेके आप, आदमी क्या कर रहा है, मान लीजिए उनकी आवाज को एआई के थ्रू लेके वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज लगा दिए हैं, तो लग रहा है कि अनिल कपूर जी का वो वीडियो है, जबकि एक्चुअल में वो नहीं है। इस तरीके से मिसयूज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जस्टिस प्रभा एम सिंह ऑर्डर पास करती हैं रिस्ट्रेन करते हुए हर किसी को कि अनिल कपूर का नाम, उनकी लाइकनेस, जो भी उनके शौक हैं, वॉइसेस हैं, या कोई भी एस्पेक्ट जो उनकी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है, वो यूज नहीं किया जाएगा मर्केंडाइज करने के लिए, ठीक। कोर्ट ने ऑल्सो बार किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के यूज को, कि उनकी इमेज को किसी भी तरीके से मॉर्फ नहीं किया जा सकता, ना ही जीआईएफ में यूज हो सकता है मॉनेटरी गेन या कमर्शियल पर्पस के लिए, जहां पर ये लगता है कि उनकी एक्टिविटीज जो हैं उसके चलते कपूर जी की राइट, अनिल कपूर जी की राइट वायलेट हो रही है। ऑल्सो कोर्ट ने कहा कि जितने भी डोमेन्स बने हुए हैं www.anilkapoor.com करके, ठीक है, उनको सस्पेंड और ब्लॉक किए जाएं। साथ ही साथ जो मीटी है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनको ऑर्डर किया गया है कि आप एक ब्लॉकिंग ऑर्डर इशू करिए विद रिस्पेक्ट टू जितने भी पोर्नोग्राफिक वीडियोस अपलोड हुए हैं इस एक्टर की मॉर्फ इमेज को यूज करते हुए, उन सबको सस्पेंड और ब्लॉक किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिभा एम सिंह जस्टिस जो है वो कहती हैं कि फ्री स्पीच जो होती है वो प्रोटेक्टेड है, जब आप कुछ राइटअप्स लिख रहे हैं, न्यूज लिख रहे हैं, सटायर क्रिटिसिज्म है, पैरडी है, ठीक है, जो जेन्युइन होता है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो क्रिटिसिज्म को, हम कभी ये नहीं कह सकते कि एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, ठीक। न्यूज हो गई, राइट अप्स हो गए, ये सब एक जेन्युइन चीज है, तो कोर्ट कह रहा है ये सब प्रोटेक्टेड है फ्री स्पीच में, लेकिन इसका इस्तेमाल आप किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को टार्निश करने के लिए नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर राइट दे दी गई है, दैट डजेंट मीन कि आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे। When the same crosses the line and results in tarnishment, court क्या कह रही है कि आपको freedom दे दी है, that doesn't mean कि आप उस line को cross करके आप tarnishment करेंगे, आप individual की personality को jeopardize करेंगे, ठीक है, and जो भी चीजें उससे जुड़ी हुई है, अगर ऐसा करा जाएगा तो उसको illegal माना जाएगा। court ने further held किया कि unauthorized websites और platform जो है इनका कोई भी justification नहीं है, क्यों, क्योंकि obviously ये consumers को mislead करती हैं into believing कि they are permitted to bring Anil Kapoor as a motivational speaker। हाँ, अब आप क्या होता है, आप जो भी देखते हो तो आपको जो दिखाया जाता है आप उसको बिलीव कर लेते हो। जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो सही गलत के बीच में हर आदमी डिस्टिंग्विश कर पाए ऐसा जरूरी नहीं होता है, उनको जो दिखाया जाता है वो उसी पर भरोसा कर लेते हैं। तो कोर्ट यहाँ पे कह रही है कि जो सेलिब्रिटीज की राइट टू एंडोर्समेंट होती है,
ये उनका लाइवलीहुड है, ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जिसको आप इस तरीके से आपको अलाउ नहीं कर सकते कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, इलीगल मर्केंटाइज के थ्रू। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मिसयूज हो रहा है, अनिल कपूर जी की इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए, उसके रेफरेंस में कोर्ट ने कहा कि सेलिब्रिटी भी इंजॉय करता है राइट टू प्राइवेसी एंड ही डज नॉट विश दैट इज इमेज वॉइस लाइकलीनेस इज पोर्ट्रेड इन अ डार्क मैनर, जैसा कि पॉर्न वेबसाइट्स पे किया जाता है। यूजिंग द प्लेंटिफ इमेज विद अदर एक्ट्रेसेस, ये सिर्फ प्लेंटिफ के लिए खतरनाक नहीं है बल्कि थर्ड पार्टी के लिए है। कोर्ट कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू दिस, ठीक है। कोर्ट ने यहाँ पे एक बहुत ही संगीन सी बात ली है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना एक अच्छी बात है, लेकिन उसका मिसयूज भी होता है, क्योंकि पोर्नोग्राफिक वीडियोस में पॉर्न वेबसाइट्स पर कई बार एक्ट्रेसेस की फोटोज अमॉर्फ करके डाली जाती है, इन द सेम वे एक्टर्स की भी पड़ती है। तो ये सिर्फ वहाँ पे दो लोगों की बात नहीं है, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी उस पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्टेड है वो भी यहाँ पर, उसको भी, उसके लिए भी दिक्कत है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी को भी अफेक्ट कर रही है। तो कोर्ट कह रही है कि सेलिब्रिटी का मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है दैट डजेंट मीन कि उसकी राइट टू प्राइवेसी नहीं होती। उसकी पर्सनल लाइफ अलग है, उसका प्रोफेशनल काम अलग है, आप हर जगह उसकी राइट्स को मिसयूज करके नहीं कुछ कर सकते हैं। तो उसकी भी राइट टू प्राइवेसी है एंड हो सकता है वो विश नहीं करता है कि उसकी इमेज या वॉइस को वगैरह हर जगह गलत तरीके से यूज किया जाए, कोई भी नहीं चाहेगा, किसी को भी ये बात नहीं पसंद होगी। कोर्ट कह रही है कि इस पे हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है ये हमारे लिए कंसर्न का इशू है। अच्छा, फर्दर इसी पे और कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, लाइक जो एडवोकेट्स थे तो एडवोकेट ने बोला कि ये जो झक्कास वर्ड यूज होता है इस पे भी लगाया, इसको भी मतलब प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर जस्टिस का कहना था कि ये तो एक मुंबई का शब्द हो गया, मुंबईया भाषा में इसको यूज किया जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वर्ड को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, बट एक जो तरीका है, क्योंकि अनिल कपूर हैज हिज ओन स्टाइल, तो उस तरीके से अगर कोई कहता है तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं। फिर साथ में फिर जस्टिस आगे ये भी बात कहते हैं कि जो है अगर आज हम एक की राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कल को फिर और भी एक्टर और एक्ट्रेसेस सामने आ जाएंगे, सब अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे एडवोकेट का कहना था कि डेफिनेटली अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, लाइक वी गेव द एग्जांपल ऑफ द पोर्नोग्राफिक साइट्स, ठीक है, तो वहाँ पर अगर वेबसाइट्स पे उनकी इमेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है और उनको इससे इशू है तो डेफिनेटली उसको प्रोटेक्ट करना कोर्ट का काम है, लेकिन उसके लिए उनको सामने आना पड़ेगा। सो दिस वॉज द कंसर्न जो यहाँ पर डिस्कस हुआ था, एंड इसी के चलते आपको बता दें कि लास्ट ईयर नवंबर में हाई कोर्ट ने सिमिलर एंड इंटरिम ऑर्डर पास किया था अमिताभ बच्चन जी के केस में, जहाँ पर पब्लिक को रिस्ट्रेन किया गया कि वो उनकी पर्सनालिटी और पब्लिसिटी राइट्स को इन्फ्रिंज ना करे, वेटरन बॉलीवुड एक्टर। साथ ही साथ आपको मालूम होगा ये केबीसी वाला जो सीन है, केबीसी किसी भी तरह का ये प्रमोशन है, ये अलग तरीके से कुछ नहीं करते, फोन वोन करके बीच में अमिताभ बच्चन की आवाज़ से निकाल के बहुत कॉल्स लोगों को स्पैम कॉल्स जाते थे। तो इसीलिए अब आप अगर केबीसी देखते होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि अमिताभ बच्चन खुद कहते हैं कि केबीसी किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं करता, पैसे लेने का वादा नहीं करता, तो आप लोग इस चीज़ों में झांसे में ना फंसे, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये इसी वजह से है, क्योंकि बहुत सारा गलत चीज़ें ऑलरेडी एक्सरसाइज करी गई थी अमिताभ बच्चन की राइट्स को इन्फ्रिंज करके, तो इसलिए लास्ट नवंबर में हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर को पास करके इनकी राइट को भी प्रोटेक्ट किया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस अनिल कपूर जी का केस, ये एक रेफरेंस था आपके लिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में IPR आता है, आप सबको मालूम है कि सबकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं, जिस तरीके से एक ऑथर अपनी बुक को कॉपी राइट से प्रोटेक्ट कराता है, ठीक है, कोई भी है, किसी का कुछ अपना कविता लिखी हुई है, जो चीज़ नायाब होती है, हम कहते हैं ना जो नया है, जो इससे पहले नहीं हुआ, जो अलग अपने आप में खास है, तो इंसान उसका पेटेंट कराता है, ट्रेडमार्क कराता है, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो ये एस्पेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से और भी केस लॉज जो भी रहें आप उसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि क्लैट पीजी 2024 इज ऑल अबाउट द केस लॉज। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो लाइक करना मत भूलना, शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।